हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो, मस्त हो। आज हम आए हुए हैं जयपुर के अंदर एक धार्मिक स्थल से आप सभी को रूबरू करवाने के लिए। बहुत से लोग जानते होंगे, कई लोग यहाँ पे आ गए होंगे। बहुत फेमस मंदिर है जयपुर का, जो कि मोती डूंगरी में स्थित है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गणेश मंदिर, जो कि मोती डूंगरी का बहुत फेमस मंदिर है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं गणेश जी के। मोती डूंगरी का गणेश मंदिर जयपुर के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय मंदिरों में से एक है, जिसके चरणों में हजारों भक्त आते हैं। यह मंदिर जयपुर वासियों के दिलों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, भगवान गणेश न केवल हिंदू पौराणिक कथाओं में बल्कि हर भक्त के दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं। हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला हर धार्मिक त्यौहार भगवान गणेश की पूजा के साथ शुरू होता है। मंदिर में भगवान गणेश की एक विशाल मूर्ति है, जो कि गहरे नारंगी रंग में एक अलग ही चमक बिखेरे हुए है। दोस्तों, गणेश जी की इस भव्य मूर्ति पर एक चांदी का मुकुट सुशोभित है। इस मूर्ति का सिंहासन चांदी और सोने से बना है। मूर्ति के दोनों ओर चांदी के दो बड़े खंभे हैं। एक बड़ा स्वर्ण चक्र मूर्ति के पीछे की दीवार को सुशोभित करता है और एक स्वर्ण छाता मूर्ति के ऊपर। दोस्तों, गणेश जी का यह भव्य मंदिर 1761 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिसे बनने में करीब 4 साल का समय लगा। दोस्तों, इस मंदिर का नाम मोती डूंगरी इसलिए पड़ा क्योंकि यह मंदिर डूंगरी पहाड़ी की तलहटी में बना है। दोस्तों, मंदिर में पूजा करने के बाद भक्तों के बैठने के लिए मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर सीढ़ियां हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर भक्त पूजा करने के बाद कुछ मिनट यहां बैठते हैं तो भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, वैसे तो सप्ताह के प्रत्येक दिन इस मंदिर में भक्तों का जमावड़ा रहता है, लेकिन बुधवार के दिन यहाँ भक्तों की बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ आती है, क्योंकि भगवान गणेश को बुध ग्रह का देवता कहा जाता है और बुधवार का दिन बुध ग्रह का होता है। गणेश जी के आपको दर्शन कराई दिए हमने। यार, एक बात तो ऐसे मंदिरों में जाते हैं ना, उससे मन है ना शांत हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।